सब इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बस बेलनकार था। तो भाई जैसे कि आज 13 तारीख है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूटने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा एसएससी का 5 दिन से शादी चल रही थी, जिस वजह से एसएससी जो है छुट्टी पे था। तो बच्चे अपने मायके से आने वाले, तो उनसे इंटरव्यू लेंगे कैसा पेपर है, कैसा पेपर एसएससी ने जो है कुछ बदलाव करे या नहीं करे, जो भी नहीं होगा वो बच्चे बताएंगे आके। ये भैया फर्स्ट शिफ्ट में आए अभी एग्जाम दे के, इनसे जानते हैं कैसा पेपर था। हाँ तो भैया कैसा पेपर आया? जैसे नॉर्मल पेपर आए हैं अब तक वैसे ही है, इजी है। तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिला एसएससी में? नो, कोई बदलाव नहीं है, सब जैसे आए हैं अब तक वैसे ही आए हैं। अच्छा, तो कुछ पेपर में मैथ वगैरह कुछ टफ नहीं है? नहीं, सब इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन थे हार्ड, बाकी सब इजी थे। तो याद है क्वेश्चन? जैसे जनगणना से आया था वही सेकंड नंबर पे कौन है जो सबसे कम वाला है। अच्छा, और ऐसे काफी हैं पर अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, उससे पंचवर्षीय योजना से? हाँ, यहाँ पंचवर्षीय योजना से आया था। साइंस से? साइंस से भी नॉर्मली आया था। साइंस से बायो से आते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री से? साइंस में आया था, फिजिक्स से आया था। फिजिक्स से? तो और कोई भूगोल वगैरह से? ज्योग्राफी है? ज्योग्राफी से, उसमें झरने वगैरह आए थे और कुछ नहीं, बस ज्यादा बस बेसिकली चीजें आई हैं, ज्यादा डीप नहीं गए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं, कुछ नहीं था उसमें, शायद एक आध क्वेश्चन था, बट अभी ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। मैथ में कौन सा पोर्शन पोर्ट? मैथ में तो पोर्शन तो टफ नहीं है, सब इजी है, बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए। और हिंदी में? हिंदी में तो सब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सभी है, उसमें पर्यायवाची है और विलोम शब्द है और पैराग्राफ आता है, बस यही है। तो टोटल कितने क्वेश्चन किया आपने? मैंने करे 65। चलो ठीक है। हाँ तो भैया कैसे भी क्वेश्चन थे भाई? पेपर है अच्छा, बस टाइमिंग की कम है। अच्छा। टाइमिंग कम है ना, पेपर सबसे अच्छा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, पेपर हल्का ही आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं है। अपना पढ़ लिख के आओ अच्छी तरह, पेपर दो अच्छी। आपने तैयारी करी थी अच्छी से? हाँ जी, तैयारी करी थी। तो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल भाई? मेरे 62 क्वेश्चन हुए। अच्छा, तो टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम आई आपको? टाइमिंग भाई पहले टाइमिंग देखो ज्यादातर 90 मिनट रहती थी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा तो दिक्कत तो होती है बच्चों को। हाँ, टाइमिंग की बेहतर टाइमिंग सेटलमेंट करो, बस ना कोई दिक्कत नहीं। अपना पेपर जाओ, हिंदी हल्की आ रही है, रीजनिंग भी इतनी हल्की है, और मैथ भी मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। अब अपना पढ़ेगा थोड़ा सा सब हो जाएगा। 2D 3D से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? सब ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा नहीं है, हल्की आ रही है। हाँ, तो कोई क्वेश्चन याद है आप लोगों को? भाई क्वेश्चन तो कई है, प्रतिशत के बारे में भी थे और हिंदी में भी ठीक, मतलब सही है, मैक्सिमम सही है। मतलब जो पहला पेपर चल रहा था ऐसा ही पेपर आ रहा है फिलहाल भी, 5 दिन की जो छुट्टी हुई है इसके बाद भी? नहीं देखो, चेंज तो होता ही है, थोड़ा बहुत चेंज तो है। नृत्य वगैरह से क्वेश्चन थे भाई? हाँ थोड़ा साइज था उसमें। नृत्य कोई पूछा गया कौन से राज्य से नृत्य पूछा गया? नहीं नहीं, बस भाई वैसे थोड़ा ही। ठीक है, कैसा पेपर आया बताओ? भाई पेपर तो ठीक ही आ रहा था, जो याद यूज कर का होगा तो पेपर ठीक ही कर आया होगा, यानी के उसमें हिंदी में दे रखा था, बिजली का पर्यायवाची दे रखा था, और भाई एक पार्थव था, पार्थव का विलोम पूछ रखा था, और तो थोड़ा नॉर्मल था, गद्यांश भी नॉर्मल था, उसके विज्ञान के ऊपर दे रखा था मनुष्य के। हाँ जी, और विलोम सब मैथ भी बिल्कुल हल्का ही आ रहा, उसमें 2D का आ रहा था बेलन का क्वेश्चन भाई, बेलन से था। हाँ, बेलन का आ रहा था और एक शंकु से आ रखा था, और गोले पे घुमा गया, गोले का आ रखा था भाई, उसमें एक गोले का दे रखा था, एक गोले का और एक बेलन का दे रखा था उसने। अच्छा भाई, ज्यादा ना फॉर्मूला बेसी था, क्वेश्चन नॉर्मल ही था। और CISI से? एक नहीं, SI का तो था नहीं भाई, CI का था एक, और CI में रेट ऑफ रिटर्न पूछी थी यार, 3 साल का उसमें दे रखा था भाई, अर्धवार्षिक ब्याज दे रखा था, और एक 1.5 साल का पूछ रखा था। 1.5 साल का? हाँ। टोटल इंटरेस्ट? टोटल इंटरेस्ट नहीं, हाँ इंटरेस्ट नहीं, हाँ टोटल इंटरेस्ट पूछ रखा था भाई इसमें। हाँ, और चोर पुलिस वाला भी था, जैसे बहुत दिनों से चोर पुलिस चल रही वो ना था भैया, इसमें 2 क्वेश्चन थे रेलगाड़ी के, एक तो जो सामान आपस में विपरीत दिशा वाले दे रखे थे, एक था नॉर्मली इसमें वो चाल पूछ रखी थी बस। और वो बताओ ना, उधार से था? ना उधार से नहीं था भैया, नहीं। और कोई क्वेश्चन याद हो साइंस वगैरह? साइंस में तो याद नहीं है भैया। बताओ सरलीकरण से नहीं बताया कोई क्वेश्चन? सरलीकरण से एक था भाई, नॉर्मली था उसमें बस। हाँ, थोड़ी ज्यादा डिजिट ना थी बस, हो जाता है, यानी कि हल्का सी था, मतलब ऐसे था बिना फॉर्मूले का, बिना फॉर्मूले के था, हो जाता है ऐसी। और था भाई एक रेशो प्रोपोर्शन था, यार वो होके नहीं दिया सारा, पता नहीं क्या था, मध्यानुपाति समानुपाति आ रहे, मध्य नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया उसमें, नहीं उसमें दे रखा था 2:5, 2:7 और 1:6, उसमें तो मिश्रानुपाति पूछ रखा था भाई इसमें। तो ओवरऑल कैसा पेपर लगा भाई तुम्हें? भाई मुझे तो थोड़ा सा टाइम टेबल लगा। अच्छा। 54 क्वेश्चन हो पाए बस। अच्छा। और हाँ, इतना पढ़ के भी होया, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे? हाँ मॉक टेस्ट दिया भाई, उसमें
ज्यादा ना दिए भाई, मॉक टेस्ट था थोड़ा थोड़ा डर था, एजिटेशन से हो जाती है भाई। आर डब्ल्यू का था भाई, 120 आ जाते हैं वहाँ तो आराम से। हाँ भाई थोड़ा टाइम कम मिला, कुछ उसमें अभी दिक्कत थी, और थी पहली बार पेपर दिया भाई, उसी की वजह से दिक्कत थी। हाँ भाई चलो धन्यवाद। तो भाई ये आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस दिखाया हमने, कैसा पेपर था, और नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर भी जब होगा हम उसके भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम जानो होगा हमें भाई, जो जाने वो सब्सक्राइब नहीं करता, तुम जानते नहीं यार फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसा ना करो।